भूतिया चक्की वाला कहानी है रामपुर की। श्याम सुंदर त्रिपाठी रामपुर के ख्यातनाम डॉक्टर थे। रामपुर के लोग उन्हें भगवान का दर्जा देते थे। श्याम सुंदर की पत्नी थी माया। माया और श्याम सुंदर की नई नई शादी हुई थी। माया श्याम सुंदर से बहुत प्रेम करती थी और उन्हें खुश करने में ही लगी रहती थी। एक शाम माया को बचपन की सहेली नीता का फोन आया। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? डॉक्टर साहब कैसे हैं? वो भी ठीक हैं, अस्पताल में हैं अभी। एक बात बता, तुम्हारी जैसी लड़की को श्याम सुंदर जी ने पसंद कैसे किया? क्योंकि यहाँ आजमगढ़ में तुम्हारे तेवर तो कुछ अजीब थे। मैं अब वैसी नहीं रही, बदल चुकी हूँ। पति परमेश्वर और ससुराल से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं। चल भाई, अब रखती हूँ। सुंदर जी को बेसन के लड्डू बड़े पसंद हैं। चक्की जाकर अपने हाथ से आटा पिसवा कर लाती हूँ। रात के 9:30 बजे चने की दाल लेकर माया अपने नौकर जगन के साथ कार में बैठकर चक्की की तरफ निकल गई। इधर चक्की वाला दामू चक्की में आटा पीस रहा था कि अचानक लाइट चली गई। हे भगवान, इसे क्या हो गया? अचानक अंधेरे में दामू एक परछाई देखकर जोर से चिल्लाया। अचानक लाइट आ गई और चक्की शुरू हो गई। लेकिन दामू का ध्यान चक्की पर नहीं था, उसका रवैया बदल चुका था। एक आत्मा ने उसे वश कर लिया था। माया की कार चक्की के सामने आते ही रुक गई। नौकर नीचे उतरा और चने की दाल लेकर अंदर आया। दामू दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था। और दामू, चने की दाल रख कर जा रहा हूँ। खुद मैम साहब आई है आज, मैं बीड़ी सुलगाने जा रहा हूँ, जल्दी से पिसवा देना, समझा? नौकर जगन निकल पड़ा। जैसे ही जगन निकला, दामू ने जगन की तरफ देखा तो दामू भयानक भूत बन चुका था। दामू नहीं, बोला आजमगढ़ का चक्की वाला बोला। दामू जोर जोर से हंसने लगा। थोड़ी देर बाद माया अंदर चक्की में आई तो चक्की में कोई नहीं था। ये नौकर भी बड़ा कामचोर है, चक्की वाले का पता नहीं और ये गया होगा बीड़ी सुलगाने। तभी अचानक चक्की अपने आप शुरू हो गई और भयानक आवाज करने लगी। चक्की की आवाज सुनकर माया डर गई। अरे, अपने आप कैसे शुरू हो गई? अचानक लाइट चली गई, लेकिन चक्की का लाइट पर कोई असर ही नहीं हुआ। चक्की जोर जोर से घूमती रही। माया बुरी तरह डर गई। कोई है? जगन, जगन! कौन? चोर? चक्की वाला कहाँ है? अरे जगन! अंधेरे में माया चिल्लाती रही, लेकिन चक्की की आवाज में उसकी आवाज भी दब गई और नौकर जगन चक्की के बाहर आराम से बीड़ी खींचता रहा। अंधेरे में माया ने देखा कोई दीवार के पास खड़ा मुस्कुरा रहा है। माया समझी दामू खड़ा है। वो गुस्सा हो गई। दामू, ये सब क्या है? फिर से लाइट आई। जैसे ही लाइट आई, चक्की अपने आप बंद हो गई। चक्की में सन्नाटा छा गया। माया ने दामू की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां दामू नहीं भोला खड़ा था। आजमगढ़ वाला, चक्की वाला भोला। तुम तो मर चुके हो ना? हाँ, मर चुका हूँ, तुम्हें मारने आया हूँ। क्या अब मुझे क्यों मारना चाहता है? भूल गई वो दिन जिस दिन तू मेरे चक्की पर आई थी? भोला की बात सुनकर माया अपने आप में ही खो गई और उसे वो दिन याद आया जिस दिन उसकी गलती की वजह से एक बेगुनाह की जान चली गई थी। माया आजमगढ़ के बड़े परिवार की लाड प्यार में पली बड़ी बिगड़ी हुई बेटी थी। हर वक्त बस मोबाइल पर गुटरगूं गुटरगूं। जा, भोला राम की चक्की से आटा पिसवा कर ला, चल जा। रघु भैया, समझाओ ना माँ को। माँ, घर में नौकर चाकर है ना, माया क्यों जाए? रघु, मैं तुम बाप बेटों की काली करतूतों में दखल नहीं देती। तुम भी हम माँ बेटी में दखल ना दो। माया जाती हो कि मोबाइल बंद करवा दूँ? हाँ, माया को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी
माँ के डर से वो आटे का डब्बा लेकर भोलाराम की चक्की पर निकल पड़ी। भोलाराम एक शरीफ और ईमानदार नौजवान था। जैसे ही उसने थकी हारी माया को देखा, वो आटे का डिब्बा लेने उसकी तरफ भागा और गलती से उसका हाथ माया की कमर को छू गया। माया ने भोलाराम को जोरदार चाटा मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे कमर को हाथ लगाएगा? तभी माया का भाई रघु वहां आया। क्या हुआ माया? मेरे कमर को छुआ इसने। बहन को गलत फहमी हुई है भैया। रघु को गुस्सा आया और उसने भोला को चक्की पर पटक पटक कर मार डाला। कुछ याद आया? गलती हो गई भोला, उस दिन माँ का गुस्सा तुम पे निकल गया, मुझे माफ कर दो। तेरी गलती की वजह से मेरी जान गई, अब तेरी जाएगी। भोला का भूत माया की तरफ बढ़ने लगा। माया चिल्लाने लगी, बचाओ 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 बचाओ। अचानक चक्की शुरू हो गई और माया की आवाज दब गई। भोला माया के पास आया, उसने माया का सिर पकड़ लिया और चक्की पर पटक पटक कर माया को मार दिया। इस प्रकार गलतफहमी और दुर्व्यवहार की भारी कीमत माया को चुकानी पड़ी। जानी दुश्मन। कहते हैं मरने के बाद दुश्मनी खत्म हो जाती है, लेकिन दुश्मन के मरने के बाद भी उसे सताने की साजिश की जाए तो फिर वो दुश्मनी दुश्मनी नहीं हैवानियत कहलाती है। चाचा, रघु हार्ट अटैक से मर गया, लोग शमशान जा रहे हैं, आप नहीं आओगे? न जाऊंगा तो नहीं, लेकिन बद्दुआ जरूर दूंगा कि उसकी चिता आग ही ना पकड़े, उसकी लाश शमशान में पड़ी पड़ी सड़ जाए और गीदड़ उसे नोच नोच कर खाए। रघु की चिता को उसके बड़े बेटे ने शमशान में आग लगाई और चिता भड़क उठी। उसके बाद सारे लोग शमशान से वापस आ गए। लोगों के लौटने के बाद रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भानु चुपचाप शमशान पहुंचा। वहां रघु की चिता जल रही थी। मर गया, लेकिन मैं तुम्हें चैन से मरने भी नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा। भानु ने जलती चिता पर काफी सारा पानी छोड़ा और रघु की चिता बुझा दी। रघु की बुझी हुई चिता के सामने खड़ा होकर भानु जोर जोर से हंसने लगा। ये कहानी है हसनपुर गांव की। हसनपुर गांव में रघु और भानु नाम के दो पड़ोसी किसान रहते थे। दोनों का घर और खेत बिल्कुल अगल बगल में था। भानु की बीवी काफी साल पहले ही गुजर गई थी और उसकी कोई संतान भी नहीं थी, वो बिल्कुल अकेला था। लेकिन उसके पड़ोसी रघु का बीवी बच्चों से भरा हुआ एक खुशहाल परिवार था। रघु अपनी गृहस्थी में काफी खुश था। बस इसी बात से भानु को जलन होने लगी थी। वो रघु का परिवार उजाड़ने के सपने देखने लगा था। आधी रात में उठकर रघु के घर की तरफ मुख करके बद्दुआएं देने लगा और छिप छिप कर रघु के घर की तरफ नींबू मिर्ची फेंकने लगा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और रघु का घर हमेशा खुशियों से ही भरा रहा। एक दिन भानु अपने घर में आराम कर रहा था, तभी भानु के बड़े भाई का लड़का बिरजू भागते हुए आया। चाचा, उस रघु ने आपकी फसल में जानवर छोड़ दिए। ये सुनकर तो भानु के सिर पर खून सवार हो गया और वो भागते हुए अपने खेत पहुंचा। उसके खेत में रघु सामने जानवर चरा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत में जानवर चराने की? जैसे आधी रात में तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे घर की तरफ नींबू मिर्ची फेंकने की, मैं अंधा नहीं हूँ। ये सुनकर भानु गुस्सा हो गया और रघु पर टूट पड़ा, लेकिन रघु भानु से भी ज्यादा ताकतवर था। उसने उल्टा रघु को काफी बुरी तरह पीटना शुरू किया। रघु के जानवरों ने भी भानु को काफी मारा और भानु काफी घायल हो गया। इस घटना के बाद से भानु रघु का जानी दुश्मन बन गया और हमेशा रघु का घर परिवार बर्बाद करने की नई तरकीबें सोचने लगा।
नींबू मिर्ची से कुछ नहीं होगा, अब कुछ बड़ा करना होगा। भानु ने अमावस की रात एक तांत्रिक बुलाया और रघु के खेत में जाकर काला जादू करने लगा। ओम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा। भानु ने रघु के घर के पीछे भी पूरी रात ओम हवन करवाया, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो रघु और उसके घर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। रघु के घर की दिन प्रतिदिन तरक्की होती गई और भानु अंदर ही अंदर जलता चला गया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। भानु अब थक चुका था कि तभी एक सुबह अचानक खबर आई कि हार्ट अटैक से रघु मर गया। उस दिन रघु के घर में मातम छाया हुआ था और भानु अपने घर में बैठकर उत्सव मना रहा था। उस दिन रघु की जलती चिता देखकर भी उसका मन नहीं भरा और वो शमशान जाकर जलती चिता बुझाकर चला आया। चिता बुझने की वजह से आधी रात में काफी सारे जंगली जानवर सूंघते हुए आए और रघु की आधी जली हुई लाश नोच नोच कर खा गए। आधी रात बीत चुकी थी। दारू पीकर भानु अपने घर में सोया हुआ था कि तभी उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया। भानु ने दरवाजा खोला तो सामने रघु का आधा जला हुआ भूत खड़ा था। भूत को देखकर भानु हंसने लगा। मुझे पता था तू जरूर आएगा। अब पता चला मुझसे दुश्मनी मोल लेने का अंजाम। तुझे ढंग से मरने भी नहीं दिया मैंने, भूत बनकर भटकता रहेगा। अब तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली। दुश्मनी मैंने नहीं, तूने शुरू की थी, लेकिन अब तू भी मेरा जानी दुश्मन बन गया है। मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। मुझे पता था तू मुझे मारने के लिए जरूर आएगा, लेकिन मैं तेरे हाथों से नहीं मरूंगा। मैंने अपनी मौत का इंतजाम खुद किया है। ऐसा कहकर भानु ने जहर पी लिया और वो रघु के भूत के सामने ही तड़प तड़प कर मर गया। पागल था पूरा, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। रघु का भूत वहां से जाने लगा कि तभी पीछे से उसे एक आवाज आई। कहां जा रहा है? खेल खत्म नहीं हुआ, अभी तो खेल शुरू हुआ है। रघु के भूत ने पीछे देखा तो पीछे भानु का काफी भयानक भूत खड़ा था। भानु के भूत ने रघु के भूत पर जोरदार हमला किया। रघु का भूत भी अब पीछे नहीं हटने वाला था। उसने भी भानु के भूत को दीवार पर फेंक दिया। भानु गुस्सा हो गया और दुगनी ताकत से फिर से उसने रघु पर हमला किया। इस बार रघु की ताकत काफी कम थी। भानु का भूत रघु के भूत पर हावी हो गया और रघु को पीटने लगा। दोनों की जोरदार लड़ाई चल रही थी कि तभी तांत्रिक के साथ बिरजू वहां आया। कैद कर लो इन दोनों को। तांत्रिक ने झट से दोनों पर मंत्र मारा और दोनों भूत एक साथ बोतल में कैद हो गए। बिरजू, ये क्या किया तुमने? ये सुनकर बिरजू हंसते हुए बोला। चाचा, आप रघु को मारना चाहते थे और मैं आपको मारकर आपकी जमीन हथियाना चाहता था। रघु के पीछे पीछे आप भी मर गए और मेरा काम और आसान हो गया। अब आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए बोतल में कैद रहोगे। ये सुनकर बोतल में कैद रघु का भूत हंसने लगा। देखा भानु, तुम सारी जिंदगी मुझे अपना जानी दुश्मन समझकर दुश्मनी निभाते रहे, लेकिन तुम्हारा अपना ही तुम्हारा जानी दुश्मन निकला। अब उसे कैसे मिटाओगे भानु? ये सुनकर भानु का भूत दर्द से तड़प उठा। आ, आ, नहीं बिरजू, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। आ, आ। तांत्रिक ने झट से वो बोतल एक काली पोटली में डाल दी और बिरजू से मोटी रकम लेकर तांत्रिक जंगल की तरफ निकल गया।